हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं गुड़ वाली मीठी सेवैया की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। सर्दी का सीजन हो और गुड़ वाली मीठी सेवैया आप बनाएं तो आयरन से भरपूर ये सेवैया बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। गुड़ वाली मीठी सेवैया बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 150 ग्राम सेवैया, गुड़, मिक्स ड्राई फ्रूट्स, देसी घी और 4 से 5 हम इलायची यूज करेंगे। तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक पैन ले लिया है। पैन में हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पे हम 2 कटोरी पानी ले रहे हैं क्योंकि इसी कटोरी के माप से हम सेवैया बना रहे हैं, तो पानी भी इसी से माप ले रहे हैं। आप जो भी बर्तन से मापें उसी अंदाज से पानी डालें। अब पानी में हम डालेंगे गुड़। गुड़ को तोड़ लीजिए छोटे छोटे टुकड़े में, तो जल्दी पिघल जाएगा। अब हम गैस को ऑन करके और गुड़ को पिघलाएंगे। गुड़ को हम चलाते हुए पिघला लेंगे। चलाने से गुड़ जल्दी पिघल जाता है। तो आप देख सकते हैं हमने गुड़ को पानी में डाल के उबाल लिया है, यानी कि गुड़ पिघलना चाहिए, इतना ही उबालना है, हमें कोई चाशनी वगैरह नहीं करनी है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और एक दूसरी कढ़ाई ले लेंगे। गैस पे हमने दूसरी कढ़ाई ले ली है। अब हम गैस को ऑन करके और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। घी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो आप देख सकते हैं घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मिक्स किया हुआ ड्राई फ्रूट्स और इसे हल्का हल्का हम चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स कभी भी आप डालें तो रोस्ट कर लें, इसकी स्वाद बढ़ जाती है। तो ड्राई फ्रूट्स हल्की सी रोस्ट हो चुकी हैं, यानी कि अपनी किशमिश खुल चुकी है। काजू में हल्का हल्का सुनहरा कलर आने लगा है। अब हम ड्राई फ्रूट्स को इसी बॉल में, घी वाली बॉल में निकाल लेंगे। तो ऐसे टेढ़ा करते हुए हम ड्राई फ्रूट्स निकाल लेंगे। अब जो घी बची है उसमें हम सेवैया डाल के और इसे 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। गैस का फ्लेम हम स्लो करके भूनेंगे। सेवैया जलनी नहीं चाहिए, अच्छे से भून जानी चाहिए। तो हम चलाते हुए इसे भूनेंगे। आप देख सकते हैं सेवैया को हमने 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पे भूना है, तो सभी सेवैया भून चुका है। इसका कलर देखिए, ये सब फ्राई जैसे दिख रहा है, ये बात ध्यान में रख के भूनना है। हर सेवैया भून जाना चाहिए। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, स्ट्रेनर लेंगे और हमने जो गुड़ का घोल तैयार किया है उसको स्ट्रेन करके डालेंगे। इससे क्या होगा, गुड़ में जो इनप्यूरिटी रहेगी वो निकल जाएगी। तो हम ऐसे छानते हुए सेवैया में गुड़ वाली पानी डाल देंगे। अब हम गैस के फ्लेम को तेज करके सेवैया को चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे गुड़ वाली रस के साथ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ मीठी गुड़ वाली सेवैया कैसे बनके तैयार होती है। आप देख सकते हैं हमने 4 मिनट तक सेवैया को गुड़ के रस के साथ पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची। तो हमने 5 इलायची को तोड़ के उसके बीच वाला पार्ट को निकाल लिया है, छिलका हटा लिया है।
इलायची हमने डाल दिया, हम जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे उसमें से हम आधा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, आधा हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे और इसे भी मिला देंगे। अब हम फ्लेम को एकदम स्लो करके और कवर कर देंगे सेवैया को, और 2 से 3 मिनट और छोड़ देंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम ढक्कन हटा के सेवैया चेक कर लेते हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं सेवैया अपनी जरूरत के अनुसार गाढ़ी हो चुकी है, ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से मिक्स हो गया है, अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो हम इस स्टेज पे अब गैस ऑफ कर लेंगे और कवर करके हम 5 मिनट तक और छोड़ देंगे, फिर सर्व करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम कवर करके छोड़ दे रहे हैं, 5 मिनट हो चुका है। चलिए हम सेवैया को चेक कर लेते हैं। देखिए अपनी जितनी गुड़ की रस थी सेवैया ने ऑब्जर्व कर लिया है, तो हमें ऐसी ही मीठी सेवैया बनानी थी। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं, तो हम इसे एक बॉल में सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी सेवैया बनकर तैयार होता है। सेवैया को हमने सर्व कर लिया, ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग भी कर लिया। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया इसे बनाना कितना आसान है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।